हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जॉब प्रोडजी। दोस्तों, आज के इस पार्टिकुलर वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कंटार की तरफ से आई हुई रिक्रूटमेंट के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे कंटार की तरफ से बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है सॉफ्टवेयर इंजीनियर के जॉब रोल के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कौन कौन से बैच अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे केवल 2021 एंड 2022 अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे फाइनल ईयर एलिजिबल रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ किस डिग्री के अप्लाई करते हैं, क्या डिग्री रहनी चाहिए, तो यहाँ पे बी बीटेक में कोई भी स्पेशलाइजेशन हो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो को डिटेल में स्टार्ट करेंगे, क्या जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाली है, क्या रिटेल रहने वाली है, सारी चीजें। इससे पहले कहेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर जॉब की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जॉब मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, वहां पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप इस वाले पेज पे चले आएंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंटार ऑफ कैंपस ड्राइव 2022 बी बीटेक एमसीए फ्रेशर्स। दोस्तों, फ्रेशर्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जॉब रोल की, जैसा कि मैंने वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की जॉब रोल रहने वाली है। बैच 2021 2022 अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो बैंगलोर इंडिया रहने वाला है। सैलरी काफी अच्छी रहने वाली है। दोस्तों, यहाँ पे 5 लाख पर एनम की सैलरी रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ पे देख सकते हैं, बी बीटेक एनी ब्रांच, आप किसी भी स्पेशलाइजेशन से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। एमसीए वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर और मैं बात करूँ नीचे क्या स्किल्स होनी चाहिए, तो यहाँ पे एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। अगर मैं परसेंटेज क्राइटेरिया की बात करूँ तो यहाँ पे 60% 10th 12th एंड ग्रेजुएशन में मांगा गया है। स्किल्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है अप्लाई डिजाइन पैटर्न एंड आर्किटेक्चरल रिकमेंडेशंस फ्रॉम लीड इंजीनियर आर्किटेक्ट, अंडरस्टैंड डिटेल डिजाइन एंड कंट्रीब्यूट डिजाइन एलिमेंट एट अ मॉड्यूल लेवल, अप्लाई इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टू अडॉप्ट प्रपोज। यहाँ पे अगर हम नीचे बात करें तो कैंडिडेट शुड बी वेल वर्स्ड एटलीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्रेफर्ड। इसमें से केवल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मांगा गया है, जो कि आपका सी हो सकता है, C++ हो सकता है, जावा हो सकता है, .NET हो सकता है, आपका कोई भी एक लैंग्वेज रहना चाहिए। गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, दोस्तों RDMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपका थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो यहाँ पे कैसे क्या प्रोसेस होगा सिलेक्शन का, तो सबसे पहले आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि MCQ होगा एंड कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट फॉलोड बाय टेक्निकल डिस्कशन एंड HR डिस्कशन। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले एप्टीट्यूड एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे दिया गया एप्टीट्यूड, टेक्निकल इंटरव्यू, HR इंटरव्यू। अगर आप एप्टीट्यूड क्वालिफाई करते हैं देन टेक्निकल इंटरव्यू देन HR इंटरव्यू आपका होने वाला है। सारी चीजें ऑनलाइन मोड में होगी दोस्तों, यहाँ पे वर्चुअली सारी चीजें होने वाली है। टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे आपको एवरी राउंड इन द सिलेक्शन प्रोसेस डे वन आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग अगर अप्लाई करने लगे तो ये जल्दी मतलब ये जो फॉर्म है ये फिलअप करना बंद हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। तो दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है, आपको जल्द से जल्द अप्लाई करना है। यहाँ पे टॉपिक और स्किल्स असेसमेंट क्या रहने वाला है यहाँ पे दिया गया है, स्किल्स टू बी कवर्ड, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा बेस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ऑप्स की यहाँ पे, एंड सेक्शन 5 कोडिंग, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे डिफिकल्टीज लेवल ऑफ असेसमेंट मीडियम रहेगा, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं रहेगा ना ज़्यादा ईजी रहेगा। मैक्सिमम टाइम टू बी अलॉटेड इफ एनी रिकमेंडेशन एंड सजेशन 1 hour 45 minutes का आपके पास टाइम रहेगा। प्रिफर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इफ कोडिंग इज इंक्लूडेड इन असेसमेंट, नो कोडिंग असेसमेंट में नहीं रहेगा। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ असेसमेंट ओन क्वेश्चन टू बी प्रोवाइडेड बाई माई एंटोनिम, दोस्तों यहाँ पे ओन क्वेश्चन रहने वाला है इन लोग का। यहाँ पे क्लिक हेयर पे जैसे ही अप्लाई करेंगे आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप सारी चीजें देख सकते हैं, अबाउट द कंपनी, जॉब डिस्क्रिप्शन, फुल टाइम परमानेंट जॉब रहने वाला है दोस्तों। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। तो दोस्तों यहाँ पे रजिस्टर नाउ करना है, ईमेल आईडी यहाँ पे जैसे ही लिखेंगे देन वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई मेल करने के बाद आप नीचे अपना पर्सनल डिटेल देंगे, एजुकेशन डिटेल देंगे एंड सारी चीजें यहाँ पे देने के बाद यहाँ पे आप इसकी प्राइवेसी पॉलिसी को टिक करने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनको भी जॉब की नोटिफिकेशन मिलती है रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।